पंचकुला नगर निगम द्वारा रेड़ी फेरी वालों पर अब लगाम कसी जा रही है। नगर निगम ने पंचकुला में अपनी मुहिम को गति देते हुए शहर के मुख्य सेक्टरों में बहुत से रेड़ी फेरी वालों को हटा दिया है। अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर भी नगर निगम अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से शहर में दिन प्रतिदिन रेड़ी फेरी वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर अब नगर निगम सख्ती दिखाने लगा है। दिशा निर्देश पे ये कार्य हो रहा है, ये हमारा अपनी ड्यूटी है। हमारी म्यूनसिपल लैंड के अंदर जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हम हटा रहे हैं। हमारी पहले भी ड्राइव भी चलती है, अब भी चल रही है। जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर जो भी इलीगल रेड़ी फेड़ी लगी है उसको हम हटाया जा रहा है। फर्स्ट फेज में हम मेन रोड को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड फेज में हम मार्केट एरिया में भी देखेंगे। मार्केट एरिया में हुड्डा अपने कर रहा है, हुड्डा की भी ड्यूटी है जी। हुड्डा भी अपने एनक्रोचमेंट हटा रहा है। MC एरिया में हम अपने एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा है जो एनक्रोचमेंट जो रेडी फड़ी वाले उठाए गए हैं उसको वहाँ छोड़ा भी जा रहा है, उसका क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं खुद ड्राइव के साथ निकला हूँ, वैसे हमारी टीम निकलती है, CSI उसके साथ रहता है, और आज मैं खुद देखने गया हूँ। जो भी मेरे सामने जो एनक्रोचमेंट मिली हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल उठा रहे हैं। इलीगल तो इलीगल ही है जी। उसमें आज किस सेक्टर में किया आपने? आज हमने मध्य मार्ग देखा है जो अपना पंचकुला का है, जैसे 11-15 चौक से लेके सीधा हाउसिंग रोड तक देखे हैं, वन वे दे गए हैं। उधर से हम सीधे अब इधर आए हैं ओल्ड पंचकुला की तरफ। अभी हमारे 2-3 ट्रक भर गए एनक्रोचमेंट से, जो भी रेडी फ्रीट आई है उसको स्टोर रूम पर खाली किया जा रहा है। तो अब सेकेंड ड्राइव में अभी फिर मैं जा रहा हूँ उनके साथ, 1 घंटा फिर लगाएंगे हम। उसके बाद एनक्रोचमेंट ड्राइव हमारी चली रही है। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से अक्षय जाधव की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।